हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है योगेश और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हम जा रहे हैं आगरा, मेरे साथ मेरा भाई जा रहा है छोटा, और बाय ट्रेन हम जाएंगे यहाँ से। तो गाइस मैं आपको इसके आगे का सफ़र दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपने भाई से मिलाता हूँ। हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हैं। आज हम जा रहे हैं आगरा बाय ट्रेन और आपको हम दिखाते हैं कि आगे का सफ़र हम कैसे जाने वाले हैं और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आज आपको सब दिखा देंगे, मजा करा देंगे आपको। बाकी का सफर देखते हैं, चलो हमारे साथ मिलते हैं गाइस। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। आ गई हमारी ट्रेन, जा आ गई हमारी ट्रेन और हम पहुंच चुके हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच रही है हमारी ट्रेन। ड्राइवर बुलाया, ये तुम्हारा भाई, ये देखो ये जा रहा है हमारे साथ। आज दबंग नहीं कर देंगे पूरी आगरा में, आज बता देंगे कि दिल्ली जाए, मौज कर देंगे। हम लोग बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में और अब हम लोग निकल रहे हैं आगरा के लिए। हमारी ट्रेन चल चुकी है और एक अंकल आए हुए हैं गाने गाने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कर रहे हैं आगरा में। गाइस 20 रुपए में ये कार जाती है ताजमहल की एंट्री तक, बट हमें तो रास्तों को एक्सप्लोर करना पसंद है। तो चलते हैं गाइस अपने 11 नंबर की बस से, देखते हैं आगे क्या है। अब इधर से लेफ्ट हो जाएंगे हम। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल की एंट्री पे और आगे थोड़ी सी एंट्री है चल के। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है गाइस। मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ थोड़ा सा, ओके। दोनों तरफ पेड़ पौधों की भरमार है। यहाँ से करीब 200 मीटर है ताजमहल की एंट्री। देखते हैं गाइस एंट्री पर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो गाइस मेरे पीछे लगी है एक लंबी लाइन, फुल पैक्ड है चेकिंग एरिया। दोस्तों हमने बैग वगैरह भारी पेड़ लॉकर में रख दिए हैं। छोटे लॉकर का है 50 रुपए और बड़े का है 100। मैं लॉकर वाले को बोला 150 रुपया देगा। सामने से देखो गाइस भीड़ आ रही है, ये लोग घूम चुके हैं और हम अब घूमने जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल और बताओ आगे का सफर। अब हम आगे का सफर दिखाते हैं आपको। तो गाइस हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, कुछ तो दोस्त हैं, हम नहीं बताएंगे आपको। मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है, एकदम काले बादल हो रहे हैं। गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिससे एक और ताजमहल ना बन सके। अगर वो एक और ताजमहल बनता तो वो किस शहर में बनता है, ये गाइज कमेंट्स में बताएं। तो गाइज ये देखिए यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं, चलते हैं गाइज आगे। वो देखिए सामने, ये देखिए ये यहाँ का मुख्य द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है। गाइस आपके सामने है ताजमहल। आज का मौसम देखिए, एक तो मौसम ऊपर से सुहाना और ऊपर से हम आए भी ऐसी जगह है जहाँ आशिकों का है। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, बिल्कुल फ्री है तो जल्दी कर दो। ये देखो लोग बाग फुल एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है, एकदम काले बादल हो रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप ताजमहल आना चाहते हो। क्या खूबसूरती है, ये इतना बड़ा है और ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद आंखों में मानो चमक मार रहा है, इतना चमकीला है ये, दिखने में बिल्कुल एकदम सफ़ेद दूध जैसा। ये देखो गाइस बारिश होने शुरू हो गई, अजीब सा इत्तेफाक बन गया, हम आए ताजमहल और बारिश होने लगी, लोग भाग रहे हैं बारिश से बचने के लिए।
बारिश अब थोड़ी कम हो गई है गाइज, हम रुके हुए थे आपको आगे का सीन दिखाने के लिए। मौसम अब भी बारिश जैसा ही हो रहा है, फटाफट से मैं तुम्हें यमुना दिखाता हूँ। देखो गाइज यमुना कितनी साफ है, उधर दिल्ली की तरफ से आ रही है। दिल्ली में तो एकदम काला पानी है, लेकिन कुछ समय से वहाँ भी सफाई चल रही है। गाइज हमें ही नदियों को जिंदा रखना है। गाइज ये देखो ताजमहल का फ्रंट, चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है। मैं तो पहली बार आया हूँ तो मुझे तो कुछ पता नहीं अंदर क्या है, तो चलते हैं अंदर। वो देखो गाइज शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की कब्र है। तो गाइज ताजमहल का सफर यहीं खत्म होता है, जल्दी लौटेंगे नए ब्लॉग के साथ नई मौज मस्ती लेकर।